इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब एक जाइगोट डिवाइड करता है और वो एम्ब्रियो में फॉर्म होता है, इस प्रोसेस के टाइम पे जब क्लीवेज होती है, जब डिवीजन्स होती हैं, वो किस टाइप की होती हैं और वो क्लीवेज के क्या पैटर्न होते हैं, किस टाइप में कौन से टाइप की क्लीवेज होती है, ये हम एनिमेशन के हेल्प से समझेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और टाइप ऑफ क्लीवेज को देखने से पहले टाइप ऑफ एग्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप टाइप ऑफ एग्स की वीडियोस, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देखो, फिर आप टाइप ऑफ क्लीवेज को अच्छे से समझ सकते हो। क्लीवेज के टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्लीवेज के टाइम पे हमारा एम्ब्रियो का साइज जो है वो सेम रहता है ना। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे अप टू फोर्थ और फिफ्थ क्लीवेज एम्ब्रियोनिक साइज सेम रहता है विद प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। मतलब नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज करते रहेंगे बट साइज ऑफ एम्ब्रियो जो है फिर भी सेम रहेगा। डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो का साइज स्टिल सेम। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो सेल का साइज जो है छोटा होता रहता है। क्यों? क्योंकि डिवीजन के टाइम पे हमारे पास G1 और G2 फेज मिसिंग होता है। अब देखते हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन के केस में हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 एंड M फेज। G2 फेज में मेनली सेल ग्रोथ होती है, S फेज में DNA रेप्लिकेट करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे G1 फेज और G2 फेज मिसिंग होने की वजह से सेल डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन सेल डिवाइड होने के बाद सेल की ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए अप टू फोर्थ और फिफ्थ क्लीवेज तक वो साइज़ जो है छोटा होता रहेगा और एम्ब्रियो का साइज़ सेम रहेगा। इन डॉटर सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक साइज रिमेन सिमिलर बट ब्लास्टोमियर साइज प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है और सेल का साइज छोटा हो रहा होता है और डिवाइड हो रहे होते हैं सेल्स, ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज हो जाता है लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सक्सेसिवली डिक्रीज, मीन्स साइटोप्लाज्म कम होता रहेगा, न्यूक्लियस बढ़ता रहेगा। इसीलिए न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग बिकॉज न्यूक्लियस नंबर बढ़ जाते हैं क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है और साइटोप्लाज्म जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। एंड ड्यूरिंग लेटर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह ही बिहेव करता है, जैसे नॉर्मल सेल के अंदर G1 और G2 फेज होते हैं, कुछ स्टेजेस के बाद वो नॉर्मल सेल की तरह ही डिवाइड करेगा, साइज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी वैसी हो जाएगी जैसे नॉर्मल सेल में होती है। अब देखते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डिवीजन क्या होती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारे पास जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, जब ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो सिंक्रोनस क्लीवेज होती है, मींस इवन नंबर ऑफ सेल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एक जाइगोट था, उसमें क्लीवेज हुई, 2 सेल्स बने, 2 से 4 बने, 4 से 8, 8 से 16। ये इवन नंबर ऑफ सेल्स जब तक आते रहेंगे उसको बोलते हैं सिंक्रोनस डिवीजन। बट इन सम केसेस यहाँ पे एसिंक्रोनस डिवीजन्स भी आती हैं जिसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ सेल्स आएंगे, 2 से 3, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्लीवेज पे। ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली मैटरनल कंट्रोल इज देयर। यहाँ पे सिर्फ मैटरनल मींस मदर का, अभी जो वो जाइगोट है उसका जो DNA है वो पैसिव है। यहाँ पे जो भी डिवीजन्स हो रही हैं, जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, अब देखो मैंने बोला था कि G1 और G2 फेज जो है वो एब्सेंट होता है, इसका मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो S फेज में DNA रेप्लिकेट हो रहा है उसके लिए प्रोटीन कहाँ से बन रहे हैं? प्रोटीन तो G1 फेज में बनते हैं लेकिन G1 फेज एब्सेंट है, तो G1 फेज के एब्सेंट होने के बाद भी वहाँ पे DNA रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो फिर भी बन रहे हैं। वो कहाँ से? वो मैटरनल कंट्रोल है, मींस जो मदर, जो हमारे पास एग है वो मदर से जो एग आया उसके अंदर जो प्रोटीन्स वहाँ से बन रहे हैं, उस DNA से बन रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो मैटरनल कंट्रोल होता है क्योंकि अभी वहाँ पे DNA पैसिव है, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैटरनल कंट्रोल होता है। ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
सेल डिविजन्स के लिए मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे अगर हमें डिविजन्स को रोकना है तो कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास जिसका यूज़ करके हम उस डिवीज़न को वहीं रोक सकते हैं। अब डिवीज़न हो रही है, डिवीज़न माइटोसिस, सेल डिवाइड करता है माइटोसिस में, डीएनए डिवाइड करता है एस फेज़ में। अभी हम देख रहे हैं सेल डिवाइड हो रहा है तो उसको रोकना है। सेल डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो एम फेज़ में है। एम फेज़ में क्या क्या होता है, या तो एक बारी सेल डिवाइड हो चुका मीन्स उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया, उसके बाद सेल डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस, या तो हम उसको कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे रोक सकते हैं या फिर उसको हम साइटोकाइनेसिस के टाइम पे रोक सकते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास स्पिंडल फॉर्म होते हैं, स्पिंडल्स बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ट्यूबुलिन्स की अरेंजमेंट, पॉलीमराइजेशन होती है अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स की। अगर हम ये तीन ड्रग्स हैं कोल्चिसिन, नेकेडेजोल और कैलसेमिड, ये जो तीन ड्रग्स हैं इससे अगर हम ट्रीट करवाएं तो क्या होगा, ट्यूबुलिन की पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, ठीक है, पॉलीमराइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगा, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगा तो न्यूक्लियस डिवाइड ही नहीं होगा। तो इन ड्रग्स की मदद से हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। ऐसे ही अगर कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, अब हमें रोकना है, तो हम साइटोकाइनेसिस को रोक के सेल डिवीजन को रोक सकते हैं। वो कैसे, एक साइटोकैलेसिन बी एक ड्रग है, उससे हम क्या करेंगे, जो सेल डिवाइड होता है जहाँ से सेल प्लेट बनना शुरू होती है एक्टिन की मदद से, अब हम उस एक्टिन को ही इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल प्लेट ही नहीं बनेगी और सेल डिवाइड ही नहीं होगा, साइटोप्लाज्म ही नहीं डिवाइड होगा। तो ऐसे हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ड्रग्स। अब टाइप ऑफ क्लीवेज के लिए हमें दो लॉज पढ़ने पड़ेंगे। दो लॉज कौन कौन से हैं, एक है सैक्स लॉ और एक है बोल्स्ट्रोज लॉ। सैक्स लॉ क्या कहते हैं, सेक्स लॉ कहता है कि जब डिवीज़न हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल दो डिवीज़न हुई, फर्स्ट और सेकंड, पहली डिवीज़न जो है वो अगर वर्टिकल हो रही है तो सेकंड डिवीज़न वो परपेंडिकुलर होगी प्रीवियस डिवीज़न की। जैसे जैसे हमारे पास एक ये जाइगोट था, जाइगोट में फर्स्ट डिवीज़न हुई वर्टिकल, तो नेक्स्ट डिवीज़न जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी प्रीवियस वन के। देखो फर्स्ट डिवीज़न हुई, दो सेल बने, अभी ये कौन सी डिवीज़न थी, वर्टिकल, तो जो सक्सेसिव डिवीज़न होगी इसके बाद जो डिवीज़न होगी वो वर्टिकल होगी, ये वर्टिकल होगी तो फोर सेल्स बनेंगे, तो ये बोलते हैं सेक्स लॉ। नेक्स्ट आता है बोल्स्ट्रोज लॉ। बोल्स्ट्रोज लॉ क्या कहता है कि जो क्लीवेज का रेट है, ठीक है, क्लीवेज कहाँ पर ज़्यादा होगी कहाँ पर कम होगी एग में, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ योक, मीन्स कि रेट ऑफ क्लीवेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ योक। इसका मतलब क्या है कि अगर एक एग है, एग में योक प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है यहाँ पे, तो रेट ऑफ क्लीवेज जहाँ वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे योक कम होगा। ये देखो यहाँ पे क्लीवेज चली स्टार्ट हुई, क्लीवेज हो चुकी है, पर जैसे ही योक पे पहुँचेगा क्लीवेज का रेट बहुत स्लो हो जाएगा, यहाँ स्लो हो जाएगा, या साइटोप्लाज्म के एरिया में सेकंड क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज ही ख़त्म नहीं हुई, मीन्स वहाँ पे बहुत स्लो रेट हो जाएगा क्लीवेज का। इतना यहाँ पे थर्ड क्लीवेज भी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे अभी फर्स्ट अभी ख़त्म होने वाली है, मीन्स क्लीवेज का रेट जहाँ पे योक अब्सेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और रेट ऑफ क्लीवेज जहाँ पे योग प्रेजेंट है वहाँ बहुत कम। इसीलिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है कुछ प्लास्टोमियर्स, कुछ सेल्स छोटे साइज़ के होते हैं और कुछ सेल्स बड़े साइज़ के होते हैं जिसको माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स बोलते हैं। अब जहाँ पे योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे क्लीवेज बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से बड़े बड़े सेल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं मैक्रोमियर्स। जहाँ पे योक का अमाउंट बहुत कम होता है वहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमियर्स। यही रीज़न है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे टू टाइप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज में सबसे पहले आता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक मीन्स होल, पूरा का पूरा एग डिवाइड होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जब क्लीवेज हो रही होगी तो क्लीवेज टॉप से लास्ट बॉटम तक कंप्लीट होगी, एंड ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एग है
उसके बिहाफ पे हमने होलोब्लास्टिक क्लीवेज को दो में डिवाइड कर दिया, इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक। अब एग्स का टाइप जो है, कौन से टाइप का एग है, वो समझने के लिए टाइप ऑफ एग्स की वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी हमें टाइप्स ऑफ क्लीवेज समझ आएंगे। इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक, इनमें क्या डिफरेंस है? इक्वल होलोब्लास्टिक मतलब ये उन केस में होती है जहाँ पे योक बहुत ही कम प्रेजेंट है, बहुत कम योक प्रेजेंट है और एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंट है योक, अगर प्रेजेंट भी है तो पूरे एग के अंदर एक जगह प्रेजेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन केस में इक्वल होलोब्लास्टिक होती है। योक बहुत ही कम प्रेजेंट है और इवनली, ये मेनली होता है सीअर्चिन, एम्फियोक्सिस और ह्यूमंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल रेट से क्लीवेज होगी क्योंकि वो योक जो है वो बहुत कम प्रेजेंट है, तो टॉप टू बॉटम इक्वल रेट से क्लीवेज होगी। बट इन केस ऑफ अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज यहाँ पे क्या होगा, ये किस केस में होती है, ये होती है मीजोटिलोलेसिथल एग, जहाँ पे योक का अमाउंट है तो कम लेकिन अभी साइटोप्लाज्म से थोड़ा ज़्यादा है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे योक है या साइटोप्लाज्म है, तो ये मेनली एम्फीबियंस में होता है। तो अनइक्वल में क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगी क्लीवेज, जैसे ही एक क्लीवेज ख़त्म होगी साइटोसोल के एरिया में दो क्लीवेज ऑलरेडी हो चुकी होंगी, इट मे बी 2 और 3, मीन्स रेट ऑफ क्लीवेज जो है इक्वल नहीं होगा, रेट ऑफ क्लीवेज जहाँ पे योक अब्सेंट है वहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे योक प्रेजेंट है वहाँ पे कम रेट ऑफ क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास दो साइज के सेल्स बनेंगे, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स, जहाँ योक है वहाँ पे मैक्रोमियर्स और जहाँ पे साइटोसोल है योक प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे माइक्रोमियर्स बनेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये मेनली एम्फीबियंस में होती है। नेक्स्ट आता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इस केस में क्लीवेज ओनली कन्फाइंड टू द साइटोसोल, जहाँ पे योक प्रेजेंट है वहाँ पे क्लीवेज होगी ही नहीं, ठीक है। अब जहाँ पे योक नहीं है, साइटोसोल है, वहीं पे क्लीवेज होगी, तो इसके बिहाफ पे हमने इसको मीरोब्लास्टिक को दो में डिवाइड किया, डिस्कोइडल और सुपरफिशियल। डिस्कोइडल, ये मीरोब्लास्टिक डिवीजन जो हैं वो डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ एग्स पे कि कौन सा टाइप ऑफ एग प्रेजेंट है। डिस्कोइडल किस केस में होता है, जहाँ पे मैक्रोटिलोलेसिथल एग होता है। मैक्रोटिलोलेसिथल एग में क्या होता है, योक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, साइटोसोल बहुत कम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी ये एक टाइप की मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। मीरोब्लास्टिक में डिवीजन जो है वो ओनली साइटोसोल एरिया में होती है, योक में कोई डिवीजन नहीं होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स बन जाएंगे एक कैप पे, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क, और ये एरिया ऐसा ही रहेगा जहाँ पे क्लीवेज नहीं होगी। सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किस केस में होती है, कौन से एग्स में, इंसेक्ट में एग्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे योक जो है योक सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रोलेसिथल एग बोलते हैं, सेंटर में योक है और पेरिफेरी पे हमारे पास साइटोसोल प्रेजेंट है, तो जहाँ पे साइटोसोल प्रेजेंट है वहीं डिवीजन होगी, तो पेरिफेरी पे कई सारे सेल्स बन जाते हैं, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जो कि इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है। डिस्कोइडल इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। करते हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज। पैटर्न ऑफ क्लीवेज मेनली हम चेक करते हैं एट 4 सेल स्टेज में। पैटर्न ऑफ क्लीवेज में सबसे पहले आता है रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज, इन क्लीवेज के पैटर्न्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे दो टाइप के क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट और डायरेक्शन। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल। मेरिडोनियल मीन्स जब कोई क्लीवेज फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल वर्टिकल चलेगी तो हम मेरिडोनियल बोलते हैं। अगर कोई क्लीवेज इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करेगी, मींस अगर कोई भी एग को कट करेगा हॉरिजॉन्टली, तब हम उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लीवेज। अब रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, फर्स्ट टू क्लीवेजेस जो होती हैं वो मेरिडोनियल होती हैं, वाइल जो थर्ड क्लीवेज होती है वो इक्वेटोरियल होती है, जिसके बाद 8 सेल स्टेज बनते हैं, वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास एक एग था जिसमें फर्स्ट क्लीवेज हुई, वो हुई मेरिडोनियल फर्स्ट क्लीवेज। देन सेकंड क्लीवेज हुई, वो हुई अगेन मेरिडोनियल, लेकिन जो दो सेल्स बने थे
उन दोनों सेल्स में एक एक डिवीजन और होगी, लेकिन होगी वो मेरिडोनियल। दो सेल बने, दो सेल के बाद कितने बनेंगे, अब हर स्टेज हर एक सेल के अंदर एक एक मेरिडोनियल होगी, तो चार सेल बनेंगे। अब क्या होगा, थर्ड क्लीवेज जो होगी वो होगी इक्वेटोरियल, जिसमें फोर सेल इन अपर हाफ एंड फोर सेल इन लोअर हाफ, तो एट सेल बन जाएंगे। तो ये जो क्लीवेज होगी, इसमें फर्स्ट टू क्लीवेज इज मेरिडोनियल एंड थर्ड क्लीवेज इज इक्वेटोरियल, जिसको हम बोलते हैं रेडियल। ये रेडियल क्लीवेज मेनली एम्फीबियंस, बर्ड्स, सी अर्चिन एंड एम्फियोक्सस में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आती है रोटेशनल क्लीवेज। रोटेशनल क्लीवेज में क्या होगा, पहली क्लीवेज जो है वो मेरिडोनियल होगी। अब देखो, ये फर्स्ट क्लीवेज हुई मेरिडोनियल, जिसकी वजह से बने एक सेल ए बना, एक सेल बी बना। जो सेकेंड क्लीवेज होगी, सेकेंड क्लीवेज में हमारे पास दोनों टाइप की मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल दोनों होंगी, बट एक सेल के अंदर होगी मेरिडोनियल, एक सेल के अंदर होगी इक्वेटोरियल, जैसे ए और बी सेल बने थे। जो नेक्स्ट सेकेंड क्लीवेज होगी, उसमें ए सेल के अंदर तो होगी मेरिडोनियल और बी के अंदर इक्वेटोरियल, तो जिसकी वजह से रोटेशनल अपीयरेंस होगी। मीन्स वो ऐसे लगेगा कि वो रोटेट कर रहा है। ये प्रेजेंट होती है मैमल्स और निमेटोड्स के अंदर। नेक्स्ट आती है स्पायरल क्लीवेज। स्पायरल क्लीवेज में फर्स्ट क्लीवेज, अब जैसे हमारे पास ये प्रेजेंट है एग, इसमें हमारे पास डिवीजन हुई, फर्स्ट टू डिविजन्स हुई, उसके बाद जो थर्ड डिवीजन होगी वो स्पायरली होगी, ओब्लिकली चलेगी। तो जब अरेंजमेंट होगी वो स्पायरल, ऐसा लगता है कि वो स्पायरली एक एम्ब्रियो एक डिवीजन के टाइम पे स्पायरली अरेंजमेंट दिखेगी। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल। जो स्पायरल क्लीवेज होती है वो मेनली एनालिड्स, मोलस्क और फ्लैटवर्म्स में होती है। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल क्लीवेज। इस बाइलेटरल क्लीवेज में जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो फर्स्ट क्लीवेज से प्रोड्यूस होंगे, जैसे ही फर्स्ट क्लीवेज में होंगे वैसे ही सेकेंड क्लीवेज में सेम पैटर्न फॉलो करेगा, सेकेंड क्लीवेज में भी। तो वो बिल्कुल एक मिरर इमेज होगी एक दूसरे की, जो पैटर्न उसने फर्स्ट क्लीवेज में फॉलो किया था वही सेम पैटर्न सेकेंड जो डिवीजन होगी, सेकेंड क्लीवेज होगी, सेम पैटर्न फॉलो होगा और एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा एज शोन इन दिस फिगर। ये तो था हमारे पास टाइप ऑफ क्लीवेज, पैटर्न ऑफ क्लीवेज और कुछ लॉज थे दो क्लीवेज के। नेक्स्ट अब हम करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी में एक एक टाइप एनिमल्स के अंदर स्टडी, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम एग ले टू अप टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।